नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई हापुर न्यूज में और मैं हूं आपके साथ पुलकित अग्रवाल। इस वीडियो को हम लेकर आए इस उद्देश्य से जिससे कि आप सभी लोगों को परेशान ना होना पड़े। दरअसल इस समय हापुड़ में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं परेशान हो रहे हैं, भटक रहे हैं कि हापुड़ में अस्पतालों का स्टेटस क्या है, किस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं, कोविड अस्पतालों की बात हम कर रहे हैं और किस तरह से जो आप वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। तो इस सब चीज़ों को लेकर हमें वीडियो लेकर आए और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे घर बैठे या कहीं भी आप हों, आप देख सकते हैं कि क्या कुछ स्टेटस है इस समय जो बेड्स हैं उसको लेकर। तो चलिए, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन या डेस्कटॉप या लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्टिविटी हो उसमें आपको सर्च करना है यूआरएल में hapur.nic.in, ये आपको खोलना है। जब आप ये खोलेंगे वेबसाइट, तो सबसे पहले इस वेबसाइट में आपको कुछ नंबर नज़र आएंगे। ये नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कंट्रोल रूम का नंबर है, COVID-19 कंट्रोल रूम का नंबर आप यहाँ से देख सकते हैं, इस पर डायल कर सकते हैं और ऊपर आपको जो है कंट्रोल रूम का इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल रूम का नंबर आपको मिलेगा। जैसे कि ये रहा, आप उसके आगे देखेंगे नंबर जो है यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नंबर, आप इसके बाद उसको क्रॉस कर सकते हैं। आप नीचे यहाँ पर आएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर एक ये लिंक है, बहुत महत्वपूर्ण लिंक है। ये लिंक है COVID-19 हॉस्पिटल्स बेड अवेलेबिलिटी इन हापुर। तो चलिए, इसको आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछ रहा है कि ये एक दूसरी वेबसाइट खोलेगा, तो आपको इसको ओके करना है और ओके करने के बाद जो है ये जो डेटा है, ये डेटा आपके सामने आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हम जैसे हमने खोला, उसके बाद ये लखनऊ का आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट लखनऊ, क्या कुछ स्टेटस है वहाँ पे, टोटल बेड्स कितने। बट आपको हापुड़ का सर्च करना है तो आप इधर इस साइड में आप आइए और आप यहाँ पे सर्च करिए हापुड़, HAPUR। आप आएंगे तो आप जो यहाँ पर देखेंगे हापुड़, यहाँ पर आपको सर्च करना है हापुड़ सर्च किया। फैसिलिटी यहाँ पर आप देखेंगे तो जो जो भी अस्पताल, जो कोविड अस्पताल है हापुड़ के, उसके लिस्ट यहाँ पर खुल जाएगी, आपको यहाँ पे हम ऑल कर देते हैं। फैसिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर भी जो है आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि पब्लिक प्राइवेट बेड अवेलेबिलिटी, अवेलेबल बेड या नॉट अवेलेबल, कैसा चाहिए आप, जो भी आपको चाहिए वो आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करना है, ये सबमिट बटन आप जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे आपको ये एक स्टेटस नज़र आएगा कि देव नंदिनी की बात करेंगे, टोटल बेड यहाँ पे 45 हैं और अवेलेबल बेड जो है 8 हैं। ये लास्ट अपडेट जो किया गया है, आज 19 तारीख है और 19 तारीख की सुबह 11:45 अपडेट किया गया है स्टेटस। तो देखिए, ये आज का ताज़ा आंकड़ा है कि क्या अवेलेबिलिटी अभी है, क्या स्टेटस है। ऐसी सिम्स की बात करेंगे, सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का भी स्टेटस आपको नज़र आएगा कि 390 बेड्स हैं, 280 जो है अभी इसमें अवेलेबल हैं, 282 बेड्स, माफ़ करिएगा। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ये थोड़ा और डीपली डेटा खुलेगा कि सरस्वती कहाँ पर है, ये प्लखुआ में है। यहाँ पर एक मोबाइल नंबर भी आपको दिया गया है, लास्ट अपडेट कब किया वो भी आप देख पाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे क्या कुछ स्टेटस इस समय अस्पताल का बना हुआ, उसको लेकर आपके सामने एक चार्ट खुल जाएगा। तो आप इसी तरह से सिमिलरली आप बाकी के भी जो अस्पताल हैं आप उनका भी डेटा चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लिंक है hapur.nic.in। अब इसी लिंक के साथ अगर बात करें, हमने आपको दिखाया कि कैसे कोविड कमांड कंट्रोल रूम का नंबर खुला, उसके बाद जो है अस्पताल के लिस्ट आपके सामने, यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ, लिंक फॉर वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन, वैक्सीन रजिस्ट्रेशन, आप इस पर भी क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ये आपको एक दूसरी वेबसाइट पर लैंड कराएगा। जब आप इस पर लैंड कराएंगे तो आपके सामने यहाँ पर आएगा मोबाइल नंबर के लिए, तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। हम भी यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और डालने के बाद आपके पास एक OTP आएगा, उस OTP के बाद जो है आप वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे मैं अपने ऑफिस का नंबर डालूँ, अगर तो हमने यहाँ पे नंबर डाला है अपने ऑफिस का नंबर है ना, उसके बाद एक OTP आया है, तो OTP अगर हम चेक करें और उसके बाद OTP यहाँ पे दर्ज करेंगे, लेकिन कुछ सेकंड्स के लिए ये होता है, उसके बाद ये जो है अपने बाद एक्सपायर हो जाता है। तो
खोला, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे रजिस्टर आप कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन यहाँ पे फिलहाल एक आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि फिलहाल जो है 18 से 44 साल का जो एज ग्रुप है अभी उसके लिए यहाँ पर फिलहाल वैक्सीन अभी अपॉइंटमेंट अभी अगर बात करें अपॉइंटमेंट अभी अवेलेबल नहीं है। तो फिलहाल हमने आपको बताया कि किस तरह से जो है आप चेक कर सकते हैं, आपको अगर कोविड अस्पतालों के बारे में जानना है कि क्या कुछ बेड का स्टेटस है तो उसके बारे में हमने आपको बताया। इस लिंक को ध्यान रखिए और वीडियो पे कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त।